बोर होते हुए दो फैमिली पांच लोग निकल चुके हैं दूसरा साइट जाने के लिए। 20 मिनट्स ओनली। 20 मिनट जाओ। बाय बाय जाओ। वालों को जाओ जाओ। अभी आप लोगों ने देखा पांच लोग गया क्योंकि कितने दिन बैठ के रहना, कितना दिन इंतजार करना इसके काम के लिए। जैसे उन पांच लोग गया और हम आज जाने वाले थे, फिर भी उन लोगों ने मना किया। पैसा जेब में पैसा नहीं रहता तो कोई दिमाग काम नहीं करता है, तो जाओ किधर जाऊँ किधर। लोग उसने 5,000 दिया तो उन लोग गया। फोरमैन फिर भी अभी बोल रहे जो हम लोग वेडनेसडे को जाएंगे, देखता हूँ कल लेके जाता है या फिर नहीं, जाके देखता हूँ खाना लंच की टाइम मिलता है या फिर नहीं। सुबह में तो नहीं था, आप देखेंगे जाके कितना खाना है। भाभी जी क्या बात है जी, खाना है कितना है? लाइट ऑफ क्यों है, करंट नहीं है क्या? ऐसे ही तो हम लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है बराबर 3 टाइम, और ऊपर से खाना की कलर देखो ये जल चुका है। चलो कोई बात नहीं, हाथों की 5 उंगली बराबर नहीं होता है, इसीलिए सभी टाइम सभी दिनों में बराबर खाना भी नहीं मिल पा रहा है। तो भाई लोग ये सब्जी देख के आप लोगों को लग रहा है अंडा का, लेकिन ये अंडा का नहीं है। आप लोग देख के कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करो ये कौन सा सब्जी है। कच्चा बादाम दादा कच्चा बादाम अमर का नहीं को बुबु भाजा बादाम अमर का आशीष शुद्ध कच्चा बादाम, इसी का ही ये सब्जी बना है। ये बेंगली बेंगल का हमारा ट्रेंडिंग सॉन्ग है। यही सुना ये बादाम का ही सब्जी है। नूरजमाल के साथ ये बच्चा किस तरह से हंस रहा है ये आप लोग सुन लिया होगा, और अभी देखो किस तरह से रो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा प्यार करने की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बच्चों से प्यार मत किया करो। जब उन लोगों ने निकल गया एक घंटा बाहर टिकर बिल्डिंग के अंदर घुस गया, जिससे यही साबित होता है वो डर से ही भाग गया। उन लोग जब भी निकल गया तो वो भी वापस लौट गया है बोल के बिल्डिंग में। कल बोला 10 बजे हम लोग साइट पर जाएंगे, फिर क्या जाएंगे घंटा साइट को भी नहीं लेके जाना है। अभी फिर साइट देखने के लिए गया, उसे लेके जाने के बाद वो 11 बजे साइट देखने के लिए जा रहा है। कहना बातों कमेंट करके चलो क्या करूँ क्या ना करूँ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आज है डेट 27 और अभी टाइम है 7:30। मैं वीडियो अपलोड करके उठ रहे हूँ अभी, तो सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। आज एक नए दिन की शुरुआत हो रहा है, और आज बोला सान नाम करके एक जगह है, उस जगह पर लेके जाने के लिए बात किया। वह मैं ठीक तरह के बोल रहा है सब भी तैयार हो जाओ जाना है, हम लोग तो अभी भी नहीं उठा, उसका बातों पे यकीन नहीं हो रहा, इस वजह से हम लोग नहीं उठा। लेके जाएगा तो अच्छी बात है, आसान 180 किलोमीटर यहाँ से ट्रैवल करना पड़ेगा। आने का टाइम आप लोगों को थोड़ा क्लिफ और दिखाऊंगा। पहली बारों की तरह इस बार भी इसे सामान लोडिंग चल रहा है गाड़ी की। तो भाई साहब फाइनली हमारा लोडिंग कंप्लीट होने का बाद हम लोग निकल चुके हैं गुड्डा नेरा लेकर, ऐसा ही कुछ जगह का नाम है, मैं लिख देंगे डिस्प्ले में आप लोग देख लेना। तो ऐसा ही कुछ जगह का नाम है, तो हम लोग अभी उधर जाने के लिए निकल चुके हैं। फिलहाल टाइम है अभी 12:30। भैया क्या हुआ, चलो बुला रहा है ना। गाइस देख सकते हो अभी हम लोग किशनपुरा टोल गेट में है, अभी जाएंगे अभी थोड़ी देर में। देख सकते हो किशनपुरा टोल गेट में लगभग हम लोगों को आधा घंटा वेट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ टोल गेट की टैक्स देने के लिए कुछ लफड़ा किया था बिल्डर ने,
तो इसी वजह से हम लोगों को रोक के रखा था, और अभी फिर से हम लोग जा रहा है हमारा डिस्टेशन के लिए। अभी हम लोगों ने और एक टोल गेट क्रॉस करके कौन सा जाएगा ये मेरे को भी पता नहीं है। इधर अभी ब्रेक ले रहा है सभी, बाथरूम में जा रहा है सभी लोग। सामने इस तरह का नजारा है, ये पूरी का पूरी विलेज है। इन लोग भी खो गया था, इन लोग भी अभी आ गया हमारा पीछे पीछे। इन लोग सामने से जाना छोड़ के इन लोग हमारा पीछे पीछे आ गए। एक होटल में खाने के लिए सभी को बोल रहा है भूख लग गया, ये होटल पे खाना खाने के लिए हम लोग रुका। तो भाई साहब फाइनली हाथ धोकर सभी ने बैठ गया है, मैं भी बैठ गया हूँ हाथ धोकर। मेरा खुद को ही नहीं पता है खाने में क्या आएगा या फिर क्या नहीं आएगा। तो ऐसे ही आधा घंटा वेट करने का बाद हम लोगों को दिया गया दो रोटी दो पापड़। मेरे को तो नहीं पता क्या आएगा, मैं पापड़ सबसे पहले पापड़ ही खा लिया, उसके बाद वो रोटी था वो भी खा लिया, समर तो भी खा लिया, खत्म कर दिया। मैं सोचा इसी में ही खत्म है, हमारा खाना यही है, लंच हमारा दोपहर का यही है, तो मैं यही खा लिया। बाद में 10-15 मिनट बाद काम मैंने जब खाना खत्म हो गया तब आया चावल आया, वो भी थोड़ा एक बार शायद दो बार एक ही बार मेरे हिसाब से एक ही बार मैं लिया हूँ खाना। तो क्या बोलेंगे 60 रुपये का था बाद में पता चला। तो चावल खाते खाते देख सकते हो मैं दो कंकर मिल गया, देख सकते हो आप लोग। बिल्कुल मैंने उम्मीद नहीं की थी इतना बड़ा बड़ा कंकर अभी मिल गया। और अभी खाना भी मैंने खा लिया हूँ, बहुत खाना मेरा खाना ज़्यादा हो गया। ऐसे ही तो 10-15 मिनट जर्नी करने के बाद बच्चा लोग 10-12 साल की बच्चा है तो उन लोग उल्टी कर दिया खाना ज़्यादा होने के कारण। उन लोग बोल सकता है लेकिन क्या करेंगे, ऐसा उल्टी कर दिया। हर ट्रिप में मेरा ऐसा ही होता है, देखो देख सकते हो इस लहर का ने अभी उल्टी कर दिया। क्या इतना बड़ा लहर का होके शर्म नहीं है थोड़ा सा भी। यहाँ से भी 2 घंटे का जर्नी था और खाना ज्यादा होने के कारण सिर बहुत दर्द करने लगा मेरे को, और आगे रूट की व्लॉग वीडियो नहीं कर पाया हूँ मैंने। अभी टाइम है 5:30, फाइनली अभी साइट पर हम लोगों ने पहुंचा है। साइट देख सकते हो आप लोग, सभी पैसेंजर अभी धीरे धीरे केयरफुली से गाड़ी से नीचे उतर रहा है। वर्तमान के लिए देखेंगे कितना दिन में पैसा मिलता है, काम कैसा रहता है, ये तो नीचे भाई लोग बैठा है। तो भाई साहब फाइनली अनलोडिंग चालू हो गया है इस लाश से, लाश बॉडी भी कह सकते हो आप लोग। देख सकते हो गाइस पूरा सामान अभी उतर चुका है, इधर रूम रहेंगे उसके बाद रूम का अंदर मिलता हूँ। और गाइस वही देख सकते हो रूम के अंदर क्या मिलो, सभी उधर शोर मचा के रखा है, रूम के अंदर नहीं मिल सकता हूँ। उधर दो रूम हम लोग दो फैमिली के साथ रह रहा था, देख सकते हो उधर दो ही रूम है।
आशा करता हूँ व्लॉग आप लोग यहाँ तक देख लिया तो आपके अपने आरके छोटे भाई का चैनल में, यदि आप पहले आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ऑल कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो एक्स वाई जेड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और एक छोटा सा लाइक कीजिए। वीडियो व्लॉग या बुरा लगा क्या अच्छा लगा कमेंट करके बताना जरूर। 2022 का मेरी तरफ से दिल से सबको हैप्पी न्यू ईयर। टेक केयर, बाय बाय।